पहले ही दोस्तों मैं आपको एक वीडियो वो कर देता हूँ। ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए। आपको पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे सर्च इंजन्स भी होते हैं इंटरनेट पर। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीपक टेक्नोलॉजिस्ट में। दोस्तों आज की जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे सर्च इंजन्स के बारे में जिनका यूज सिर्फ एक्सपर्ट्स करते हैं। आम लोग या कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि इस प्रकार के कुछ सर्च इंजन्स भी हमारे इंटरनेट पे मौजूद हैं। अगर हम बात करें एक्सपर्ट्स की तो ये जो सर्च इंजन्स है दोस्तों, जो आप मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर एक्सपर्ट्स की बात करें दोस्तों, अगर किसी एक्सपर्ट्स की बात करें तो ये उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है दोस्तों। सिंपली आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। और साथ ही आपको पता ही है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको हमेशा यूनिक वीडियो ही मिलती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊंगा तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सिंपल, हमारे जो पहले नंबर पर जो हमारी वेबसाइट है दोस्तों, उस वेबसाइट का नाम है NVDI। दोस्तों जिसका नाम है NVDI, तो दोस्तों आपको आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, फुल फॉर्म बता देता हूँ, नेशनल वल्नरेबिलिटी डेटाबेस। तो दोस्तों आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि डेटाबेस। दोस्तों ये जो वेबसाइट है ये वल्नरेबिलिटी जो हमारी वेबसाइट्स में या जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं या हमारे जो ऐप होते हैं या हमारे जो मतलब जितनी भी हमारी वेबसाइट होती है उनके अंदर जो कमियां होती हैं, जो हमारी वल्नरेबिलिटी होती हैं, उनके लिए ये जो वेबसाइट है इसका यूज किया जाता है। दोस्तों सिंपली आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये जो वेबसाइट है ये यूज जो करते हैं वो एक्सपर्ट्स करते हैं, जितने भी जो बहुत ज़्यादा बड़े एक्सपर्ट होते हैं वही इन वेबसाइटों का यूज ज़्यादातर करते हैं। दोस्तों सिंपली आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, नेशनल वल्नरेबिलिटी डेटाबेस। सिंपली दोस्तों आपको पता ही चल रहा होगा कि नेशनल वल्नरेबिलिटी डेटाबेस मतलब पूरे वर्ल्ड में जितना भी दुनिया भर में जितनी भी हमारी जो वेबसाइट है उनकी जो कमियां होती हैं, जितनी भी वल्नरेबिलिटी इन्फॉर्मेशन होती है आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी दोस्तों। और आसानी से आप दोस्तों देख भी सकते हैं कि CVVS CW फ्रॉम CVList नॉट सपोर्टेड, CVS version 3.5 NVDI। तो सिंपली मैं आपको बताता हूँ ये जो वीडियो है ये जो साइबर सिक्योरिटी वाले होते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों सिंपली हम आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी वेबसाइट के बारे में। दोस्तों सिंपली हमारी जो दूसरी वेबसाइट है उसका नाम है DNSDumpster.com। दोस्तों इस वेबसाइट से आप किसी भी डोमेन नेम के बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपको पता होगा DNS जो डोमेन नेम सिस्टम होते हैं हमारे, जितनी भी वेबसाइट जो चलती हैं जो DNS होते हैं, डोमेन नेम सिस्टम होते हैं, दोस्तों इस वेबसाइट के थ्रू आप किसी भी वेबसाइट के DNS की फुल फॉर्म जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों एक प्रैक्टिकल के तौर पर देखते हैं। सिंपली दोस्तों मैं यहाँ पे अपनी एक वेबसाइट का नाम जो URL है उसे टाइप करता हूँ। जैसे मेरी वेबसाइट है DKTechnologyBlogscope.com, सिंपली मैं सर्च पर क्लिक करता हूँ। सिंपली दोस्तों जैसे मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ दोस्तों, सिंपली आपको देख रहा होगा दीपक जिसने इसको सर्च कर लिया है, होस्टिंग आईपी ब्लॉक ओनर। सिंपली क्या है दोस्तों, मैंने अभी अपनी होस्टिंग नहीं ली हुई है। तो दोस्तों सिंपली आप यहाँ लगा रहा है आईपी ब्लॉक मतलब होस्टिंग अभी नहीं है इस वेबसाइट पर। आपको इसका मैप दिखाया दोस्तों, जो डेस्कटॉप जो कंप्यूटर जो लैपटॉप होता है उसकी स्क्रीन पर खोलोगे, अगर आप वहाँ पर इसे चेक करोगे तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजोल्यूशन दिखाई देगा और साथ में ही ये वेबसाइट वर्क भी करेंगी। दोस्तों सिंपली DNS सर्वर MX रिकॉर्ड मतलब दोस्तों यहाँ पर आपको दिखा रहा है MX रिकॉर्ड। दोस्तों आप जानते होंगे जो हमारे मेल एक्सचेंज जो प्रोटोकॉल होते हैं, जो हमारी वेबसाइट पर जो हम मेल एक्सचेंज करते हैं उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं वो MX होती है। तो सिंपली आप दोस्तों समझ सकते हैं दोस्तों यहाँ पे दोस्तों सिंपली देखिए यहाँ पर इसने इस वेबसाइट का जो आईपी एड्रेस है उसको भी यहाँ पर शो कर दिया है। तो दोस्तों सिंपली आप समझ गए होंगे कि ये जो वेबसाइट है ये क्या क्या कर सकती है। दोस्तों सिंपली आप किसी भी वेबसाइट को यहाँ पर आसानी से चेक कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं कि उसकी वल्नरेबिलिटी क्या है और उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है। दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पे जो XLS इसको आप जो इन्फॉर्मेशन है आप इसे होस्ट की इन्फॉर्मेशन को XLS के फॉर्म में एक्सेल के फॉर्म में आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं और आसानी से फिर आराम से चेक भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको पता ही चल गया होगा कि कितनी बेहतरीन वेबसाइट है आपके लिए और जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है। तो चलिए दोस्तों अपनी नेक्स्ट वेबसाइट की ओर चलते हैं। सिंपली मैं दोस्तों टाइप कर लेता हूँ। दोस्तों दूसरी जो हमारी वेबसाइट है उस वेबसाइट का नाम है ईमेल वेरीफाई। दोस्तों इस वेबसाइट पर आप किसी भी ईमेल को वेरीफाई कर सकते हैं इजीली। आपको पता ही होगा आजकल बिजनेस के जितने भी वर्क होते हैं, जितने भी काम होते हैं उनको ईमेल से ही किया जा सकता है। हैकर्स या जो अटैकर होते हैं भी ईमेल्स का यूज करते हैं आजकल, जो स्कैम मैसेज होते हैं उनको सेंड करने के लिए या जो भी करने के लिए। सिंपली अब मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों आप इस वेबसाइट के थ्रू आपके पास जितनी भी कोई कंपनी से मेल आती है या जो भी स्कैम मेल आती है, आपको पता है कि आपके ईमेल पर ईमेल आती रहती है, जॉब कर लीजिए ये कर लीजिए, दोस्तों सिंपली आप इस वेबसाइट पर उस मेल को डालकर चेक कर सकते हैं कि वो ईमेल यूनिक है या ईमेल फेक है। तो दोस्तों सिंपली आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। दोस्तों आपने भी देखा होगा कि यूट्यूब पर
चल रहा था जो कुछ दिन पहले कि कुछ बंदों के जो अकाउंट है वो हैक हो गए हैं। दोस्तों सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि ईमेल की कितनी महत्वपूर्ण हो जो हमारे में इंफॉर्मेशन होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप दिस मैं सिंपल भाषा सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ दोस्तों। सिंपली आप इस वेबसाइट के थ्रू किसी भी जो मेल है आप उसे इजीली ट्रैक कर सकते हैं या उसे देख सकते हैं कि ये ईमेल फेक है या यूनिक है। प्रैक्टिकल के तौर पर समझते हैं दोस्तों। सिंपली जैसे मेरी एक मेल है कुमार, जिसे मैं सर्च करता हूँ वेरीफाई ईमेल, क्लिक किया तो वेट कर दो दो ये देखिए कन्फर्म इज ओके सक्सेस। मतलब ये जो वेबसाइट जो ये जो ईमेल आपने जो प्रोवाइड की ये एकदम यूनिक ईमेल है। आप इससे जो भी काम करना चाहते हैं वो एकदम काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये कोई फेक ईमेल नहीं है, ये एकदम यूनिक ईमेल है। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या आपको क्या बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों के बारे में बताता हूँ आपको, जो हमारी नेक्स्ट वेबसाइट है उसके लिए चलते हैं। दोस्तों जो हमारी तीसरी जो वेबसाइट है इसका नाम है जूमआई। दोस्तों इस वेबसाइट पर वर्ल्ड में जितनी भी डिवाइसेज कनेक्ट हैं उनके बारे में आपको बताती है। दोस्तों सिंपली जितनी भी दुनिया भर में जितनी भी डिवाइसेज कनेक्ट हैं, मतलब जितनी भी नेटवर्क डिवाइस, जितनी भी डिवाइसेज कनेक्ट हैं, जितनी भी वेब्स कनेक्ट हैं उनके बारे में ये वेबसाइट आपको इन्फॉर्मेशन बताती है। सिंपली दोस्तों आप देख रहे होंगे कि वेब जितनी भी हमारी वेब जो जो जुड़े हुए हैं इस वेबसाइट से, वो इतने सारे वेब जो वेब हैं वो इतने जुड़े हुए हैं इस वेबसाइट से, डिवाइस इतने हैं, प्रोडक्ट्स इतने हैं। दोस्तों IoT जो हमारी होती है, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग से जुड़ी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये आपको दिखाती है। दोस्तों सिंपली आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। दोस्तों सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पर SPH में मैं एडमिन, DAD इसमें लाइट स्पीड जुमेला। वेबसाइट का यूज आप किसी भी जो हमारी वेबसाइट होती है, जो हमारी विंडोज होती है, जो एंड्रॉयड होते हैं उनकी में जो अंदर वल्नरेबिलिटी जो होती है, जो कमियाँ होती हैं, आप उनको भी आसानी से इस वेबसाइट से ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं। समझ गए होंगे मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। दोस्तों सिंपली अगर इनका यूज कोई एक्सपर्ट्स करता है तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि वो एक्सपर्ट इन वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन यूज करके क्या क्या कर सकता है। दोस्तों सिंपली आप समझ रहे होंगे, इतने आप जानकार हैं। दोस्तों सिंपली दोस्तों हम अपनी अगली वेबसाइट के थ्रू अगली वेबसाइट की तरफ, अगली जो हमारी वेबसाइट है उसका नाम है सी बग। दोस्तों आपको नाम से पता चल रहा होगा इसका, कि सी बग। दोस्तों इस वेबसाइट से जितनी भी न्यू कमियाँ होती हैं, मतलब जितनी भी अपडेटेड जो कमियाँ होती हैं, जो आपने देखा हुआ व्हाट्सएप अपडेट कर दिया, अपडेट करने के बाद में आपको पता चला कि कुछ भी आप में कमियाँ नहीं है। दोस्तों सिंपली आप उसे सर्च कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो भी उसके अंदर जो कमियाँ होंगी आप उसे यहाँ पे सर्च कर सकते हैं इजीली। व्हाट्सएप के अंदर जितनी भी वल्नरेबिलिटी होगी आप उसे इजीली चेक कर सकते हैं। इंटरनेट थोड़ा स्लो है दोस्तों, इसलिए थोड़ा वेट करना होगा। आप समझ रहे होंगे जितनी हमारी न्यू वल्नरेबिलिटी होती है हमारे जो इंटरनेट्स पे आती हैं, जो हमारे विंडोज़ में आती हैं, जो हमारे सर्वर्स में आती हैं, उनके बारे में आपको दिखाती है। दोस्तों ये जो वेबसाइट है ये इनको ज़्यादातर जो एक्सपर्ट्स होते हैं वही यूज करते हैं, सर्च करते हैं, और ये वेबसाइट किसी भी एक्सपर्ट्स के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। दोस्तों सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में अगर कोई भी एक्सपर्ट, अगर सिंपल मैं कहता हूँ दोस्तों, अगर कोई हैकर इन वेबसाइट का यूज करता है तो दोस्तों सिंपली आप समझ सकते हैं कि वो इन वेबसाइट के यूज से क्या क्या कर सकता है। वो उस हैकर के लिए ये वेबसाइट किसी खजाने से कम नहीं है। अगर कोई कुछ करना चाहे तो इन वेबसाइट की मदद से कुछ भी कर सकता है। आपको बता देता हूँ ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, आपको पता होना चाहिए इन सभी चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, तथा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही नई वीडियो के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।